एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज दैम। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात बोली गई है, जब हम लोग रोज सुबह उठते हैं तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम अपने अलार्म को स्नूज करके सोते रहें और या फिर हम फाइनली अपने अलार्म को बंद करके उठ जाएं और हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर दें। ऑलराइट, सो गाइज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे कि जब अलार्म की बात की गई है और उठने की बात की गई है, तो मैं शॉर्ट आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ। जिन लोग को इस ट्रिक को नहीं देखना है, जो इंट्रो नहीं देखना है यहाँ पर या फिर किसी भी यहीं पर स्क्रीन पर एक आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा, वहाँ पर टाइम और सेकंड्स लिखा रहता है कि किस टाइम पे न्यूज़ जो है वो चालू हो जाएगी, तो आप उस टाइम पे जाकर क्लिक करके उस टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हैं और न्यूज़ देख सकते हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, सो अब मैं शुरुआत करता हूँ आपको बताने की। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब अलार्म को स्नूज कर देते हैं ना, तो फिर हम लोग उठते नहीं, हम लोग फिर लेट उठते हैं, और फिर जब हम लोग लेट उठेंगे तब हमारी प्रिपरेशन जो है वो लेट शुरू होगी। राइट, तो हमें अब कोशिश करना चाहिए जल्द से जल्द उठने की, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में तो उठ ही जाना चाहिए। तो देखिए मॉर्निंग में उठना क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि रात में हमारी स्लीपिंग साइकिल अच्छी होती है, मतलब रात में हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, रात में ऐसा होता है, रात में ऐसा होता है, तो सुबह उठने के जो फायदे हैं यहाँ पर मैं एक पॉपअप यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास, या फिर नहीं भी आ रहा होगा तो फिर आप एक नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखिएगा 5 ways to crack any government examination, उसमें से एक टाइमिंग का भी मैंने लिखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए। सो प्लीज़ वो जाके आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सेकेंडली मैं आप लोग को जल्दी उठने की ट्रिक बता देता हूँ, या फिर उठने की ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, अगर आप नहीं भी मतलब आप कभी भी उठना चाहते हैं दिन में रात में जो भी है, बट ये वाली चीज़ एक बार आप देखिएगा सुबह उठने के फायदे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के, बट उसके बाद फिर अपन आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको जल्दी उठना है कि लेट उठना है। तो देखिए बस मैं आपको अभी उठने के बता देता हूं तरीके। तो देखिए बेड पे क्या कीजिए आप, जब आप सोने जाएं तब आप एक अलार्म अपने मोबाइल में लगाइए, और एक आपको अलार्म क्लॉक खरीदनी है, जिनके पास नहीं है वो प्लीज जाके खरीद लीजिए, और इस अलार्म क्लॉक को रखना है आपको अपने बेड से दूर, मतलब इतना दूर कि आपको लगे कि आप वहां पे 2-3 मतलब जो स्टेप्स हैं वो वॉक करके जाएं, उसके बाद फिर वो अलार्म बंद कर पाए। राइट, अब देखिए आप क्या कीजिए, जब आपको जैसे सुबह 4 बजे उठना है तो आप अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में सुबह 3:45 का। राइट, क्योंकि बिकॉज हमारी आदत होती है मोबाइल का अलार्म जो है उसको स्नूज करने की। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि गलत, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने स्नूज किया अलार्म को 4:45 को, या फिर आपने स्टॉप कर दिया उस पर्टिकुलर अलार्म को, 15 मिनट बाद ये अलार्म बजेगा, और उससे पहले आपके ब्रेन में समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब ये अलार्म बजने वाला है और मुझे उठ के इस अलार्म को बंद करना है। और नहीं भी आएगा समझ में तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसकी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग होती है कि इंसान जो है बोलता दौड़ के जाता है और बंद कर देता है। राइट, तो अब देखिए फिर क्या होता है कि जब आप सोते रहते हैं फिर आप उठेंगे, फिर आप जब 2-3 कदम वॉक करके जब इस अलार्म को बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उठ चुके होंगे, आपकी नींद खुल जाएगी। बट कुछ लोग होते हैं यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, तो हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, यहाँ से सीधे अपन को जाना है वॉशरूम, और अपन को ब्रश करके अपने स्टडी टेबल में बैठ के अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टार्ट कर देनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक जिसने यूज़ कर ली वो बेसिकली कम से कम इतना सक्सेस तो हो ही जाएगा कि दिन में 12-1-2 बजे तक जो है अपना पूरा जो मेन काम है, जैसे कि प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड या फिर जो भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ने की, वो पूरी कंप्लीट करने के बाद अपना रिवीजन शुरू कर देगा या कर देगी। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह उठना काफी जरूरी है। सो गाइज आई वेलकम यू टू एजुकेशन विंग्स, दिस इज कमलाक्ष झा एंड दिस इज माई लाइक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया दिस ईमेल एड्रेस एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। ऑलराइट, सो गाइज आज 26 जून 2018 है, और हमेशा की तरह इस पर्टिकुलर लेक्चर में या फिर मैं बोलूँ ट्यूटोरियल में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग वही करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होता है। तो हम लोग क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो देखिए हम लोग हिंदू की फ्रंट पेज के बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बिजनेस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आज न्यूज़ नहीं है, और स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आज नहीं देखने को मिलेगी हम लोगों को। इसके अलावा गाइस मैं आपको कुछ लोकेशंस के बारे में बताऊंगा जिसको आपको अपने मैप में देखना है जाके, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखना है, और जो लोग आंसर लिखते हैं कमेंट बॉक्स पर उनको हम लोग एक रिवॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं गाइस, और वो क्या रिवॉर्ड होता है वो मैं आपको जब क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा तब बता दूंगा। राइट, सो प्लीज सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं पहले से बता देता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरे वीडियोस तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिए करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है गाइस। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस से।
फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज है सेशल्स से रिलेटेड, और हम लोग को पता है सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डेनी फॉरे, वो अभी विजिट में आए हुए हैं इंडिया की, और बायलेटरल मीटिंग हुई है इंडिया और सेशल्स के बीच में, जिसके दौरान काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। हमने $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट करी है सेशल्स के साथ। तो वो क्या करी है, मतलब इसके बारे में डिटेल जो है वो थोड़ी देर से मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग थोड़े से जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है नेवल बेस वाली इशू जो इंडिया और सेशल्स के बीच में चल रहा था, राइट, कि ये नेवल बेस वाली जो डील है वो 2015 में हुई थी, और अभी जो है कल की डेट में जो ये प्रेसिडेंट है सेशल्स के, उन्होंने मना कर दिया कि हम नेवल बेस वाली डील जो है उसको कैंसिल कर देंगे। अब ये नेवल बेस वाली डील क्या थी, कल हम लोग ने डिस्कस किया था, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया जो है सेशल्स में नेवल बेस बनाने की बात कर रहा था, जिसके कारण वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और वहाँ की जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया काफ़ी सारे इशूज़ के चलते, जो कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ पिछला ट्यूटोरियल देख लीजिए एक बार कल की डेट का, आप लोग को यहाँ इशू जो है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इन शॉर्ट की बात करें तो मतलब नेवल बेस के चलते जो इशू चल रहा था इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और सेशल्स के बीच में, तो कल की डेट में ये चीज देखने को मिली जब इनकी मीटिंग हुई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो इनकी मीटिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो इनकी बातचीत अच्छी हुई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद जो ये प्रेसिडेंट है सेशल्स के, उन्होंने बोला कि हम जो मिलिट्री बेस वाली जो हमारी जो डील थी वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आने वाले टाइम में। अब वो कैसे कंटिन्यू करेंगे ये चीज़ नहीं पता, ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी और फिर से इन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी में डाल दी है कि इन्होंने कोई स्टेप वगैरह नहीं दिए, कोई ब्लूप्रिंट वगैरह नहीं दिया कि किस दौरान जो हम अपनी नेवल बेस वाली जो डील है उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इन्होंने बोला कि हम आने वाले समय में कंटिन्यू करेंगे और मतलब इस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम किया जाएगा, बट वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो अप्रूवल नहीं देगी और फिर वहाँ के सिटीजन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस दौरान कैसे किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा मतलब कंट्रोवर्सी के रूप में आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग जो कंट्रोवर्सी में थी और हम लोग को पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। और सेकेंडली जो है अजम्पशन आइलैंड, आप याद रखिएगा कि जो नेवल बेस जो है वो कहाँ बनने वाला था, वो अजम्पशन आइलैंड में बनने वाला था, राइट, जो कि अब नहीं बनेगा, और बट आने वाले समय में कैसे बनेगा वो हम लोग को आने वाला समय बता देगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बायलैटरल मीट के बारे में कि किस किस चीज़ों के बारे में बात हुई, क्या क्या चीज़ें शेयर हुई एक दूसरे की, मतलब जो बेसिकली स्टेट के साथ, कंट्री के साथ। तो देखिए, हम लोगों ने जो है 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बात करी है, $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करी है। इस पर्टिकुलर क्रेडिट के दौरान क्या होने वाला है, सेशल्स जो है वो हमसे मिलिट्री हार्डवेयर जो है परचेज करेगा, और यानी कि हम सेशल्स को मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो सेल करने वाले हैं, राइट, कि उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छी हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे $100 मिलियन का। तो अब हम लोग को नजर आएगा आने वाले समय में हम सेशल्स को काफ़ी कुछ चीज़ें देने वाले हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इंडिया ने गिफ्ट किया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट सेशल्स को, जो कि June 29th उसका नेशनल डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, उस दौरान जो है सेशल्स के पास जो है ये पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंच जाएगा, राइट। तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, तो आप याद रखिएगा हमने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। तो उसी के चलते जो बेसिकली जो सेशल्स हैं उन्होंने हमको क्या गिफ्ट किया, हमको गिफ्ट किया अलदब्रा टर्टल्स। तो अलदब्रा टर्टल्स, देखिए इनकी जो बेसिकली हाइट जो होती है, कितनी बड़ी होती है, कितने लार्ज होते हैं ये पर्टिकुलर टर्टल्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये मैंने अलदब्रा टर्टल्स इसलिए डाला है यहाँ पर, और ये बेसिकली डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसलिए डाला है बिकॉज डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो और अलदब्रा टर्टल्स जो है साइंस से रिलेटेड जो है वो हमसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाया जाता है, और बेसिकली इसकी खासियत क्या है। तो अलदब्रा जो है वो बेसिकली एक जाइंट टॉर्टोइस है बेसिकली, और ये आइलैंड ऑफ अलदब्रा एटॉल इसमें यहां पर पाया जाता है, और ये बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टोइस है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये सबसे बड़ा टॉर्टोइस, देख लीजिए ना आप इसकी हाइट कितनी, इतना बड़ा टॉर्टोइस बहुत कम देखने को मिलता है। और ये ऐसे दो टॉर्टोइस जो है वो सेशल्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किए हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किए हैं। तो देखिए अक्सर देखने को मिलता है किसी भी कंट्रीज के बीच में जब बातचीत चलती है तब क्या होता है कि कोई ना कोई एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स वगैरह शेयर करते हैं। जैसे अक्सर देखने को मिला है चाइनीज जो प्रेसिडेंट है वो क्या गिफ्ट करते हैं, पांडास अपने गिफ्ट कर देते हैं दूसरे नेशंस को, जिसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो वैसे ही उसी दौरान इन्होंने यहाँ पे अलदब्रा टर्टल जो है गिफ्ट किया। तो अलदब्रा याद रखिएगा, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट याद रखिएगा, इनका नेशनल डे याद रखिएगा सेशल्स का June 29th, राइट। सो उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी इन्होंने, बोला इंडिया ने बोला है, मतलब इंडिया अभी बेसिकली ये चीज़ के बारे में जो है कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट इंडिया जो है वो रेडी हो चुका है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने के लिए, कहाँ पर, सेशल्स के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट हाउस हम लोग बनाएंगे, न्यू पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, और ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल जो है उसको हम लोग बनाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो उसके बारे में बात करी है, इंडिया रेडी हो चुका है, बट इसका जो सैंक्शन है वो मिलने वाला है। हालांकि लाइन ऑफ क्रेडिट मिलिट्री के लिए, मिलिट्री हार्डवेयर्स के लिए जो है वो सैंक्शन हो चुकी है, बट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अभी नहीं हुई है, अब आने वाले समय में होगी तब हम लोग डिसाइड कर लेंगे, राइट।
और उसके अलावा गाइज मतलब ये ओवरऑल न्यूज़ थी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. और बेसिकली जो सेशल्स जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट जो फॉरे हैं डेनी फॉरे, तो वो बेसिकली क्या करने वाले हैं, वो इंडिया और बेसिकली सेशल्स के रिलेशनशिप को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए वो 250th एनिवर्सरी जो है वो मनाने वाले हैं, जहाँ पर जो है वो इंडियन ओरिजन्स जो है वो सेशल्स के अंदर आए थे. मतलब 250 साल पहले जो है इंडियंस पीपल्स थे वो सेशल्स आइलैंड में आए थे, तो उसके चलते ये जो है वो पर्टिकुलर चीज़ जो है सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद, राइट. जैसे कि मे भी शायद ये 29th को सेलिब्रेट करेंगे जब इनका नेशनल डे ऑफ सेशल्स है वो मनाया जाएगा, तो उसी दौरान वो शायद स्पीच देने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे, राइट. तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी जिस भी आपको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है. इसमें आपको अल्डेब्रा टर्टल्स के बारे में जानना जरूरी है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स ये जो डील है इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन टू यू शुड नो अबाउट इट. और ये 250th एनिवर्सरी के बारे में जानना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस. अल्डेब्रा जायंट टॉर्टोइस के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे दी है लोकेशन वाइज कि कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस आइलैंड ऑफ अल्डेब्रा पता होना चाहिए. और सेकेंडली आपको पता होना चाहिए आइलैंड ऑफ अजम्पशन क्या होता है और मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो हम लोग ने कितने की करी है. ऑलराइट, सो गाइस, और नेवल बेस जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर न्यूज. यूज़ ऑफ फोर्स इनएविटेबल इन सिमी मैंस एनकाउंटर पैनल. तो गाइज देखिए, अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, मतलब 2016 की न्यूज़ है, जहाँ पर 8 जो सिमी टेररिस्ट जो थे वो भाग गए थे भोपाल की जेल से और उनको जो पुलिस फोर्स है भोपाल की उन्होंने मार गिराया था, राइट, उनका एनकाउंटर कर दिया था. तो अब ये वाली जो चीज़ थी वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में चल रही होगी, आपको याद आ रहा होगा. तो देखिए कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी कि वो काफ़ी सारे लोग जो है डिबेट और डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इनको मारा क्यों, इनको पकड़ा क्यों नहीं. सेकेंडली और वाली चीज़ बात की गई कि इनको जानबूझ के भगाया गया था जेल से और इतने सारे लोग जेल से भाग गए, किसी को पता कैसे नहीं लगा. और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ था जिसके चलते एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठी थी. किन के अंडर बैठी थी ये चीज़ हम लोग को पता होना जरूरी है, वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एस के पांडे या फिर एस के पांडे कमेटी भी इस पर्टिकुलर चीज़ को बोल सकते हैं. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कमिटीज़ जो है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है. तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो कमेटी बैठी थी, जो कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज एस के पांडे जी जिन्होंने हेड किया था, लीड किया था, तो इस पर्टिकुलर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत इन्होंने बोला है कि जो सिमी के टेररिस्ट जो हैं जिनको भोपाल की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था वो बहुत ज़रूरी था बिकॉज वो थे टेररिस्ट. तो इस दौरान इस पैनल ने ये चीज़ बोली. तो ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमेटी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली इशू के बारे में आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस भी कर लिया है. और थर्ड थिंग, SIMI, सिमी का फुल फॉर्म क्या होता है. सिमी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया. तो बेसिकली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब बना था, ये अलीगढ़ में बना था 1977 में, अलीगढ़ मतलब उत्तर प्रदेश में. और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया था 9/11 के बाद 2001 में. ऑलराइट, और इसके अलावा बीच में इसको जो बैन जो है वो अपलिफ्ट किया गया था, उसके बाद फिर से इसके ऊपर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगा दिया गया था ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये कब फॉर्म हुआ था, ये सब चीज़ आप थोड़ी सी देख लीजिएगा. स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मड इन April 1977 एट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, राइट. तो ये पर्टिकुलर जो है उसके बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और एस के पांडे कमेटी के बारे में पता होना जरूरी है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस. सो फ्रेंड्स, अब आगरा कानपुर मेरठ भोपाल और इंदौर में मेट्रो दौड़ती नजर आएंगी. तो बेसिकली इस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल दे दिया है, और जो कि 2 साल से पेंडिंग था. तो फर्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है मेट्रो प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आगरा कानपुर मेरठ भोपाल और इंदौर सिटीज़ को जो है मेट्रो बनाने का अप्रूवल दिया है. तो आपको टिक करना है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, ऑलराइट, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अप्रूवल दिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को. सेकेंडली, जो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है, बट बेसिकली इन्होंने मेट्रो मैन श्रीधरन जी को बोला है कि बेसिकली जो एक कमेटी हेड करेंगे, जो उस कमेटी का नाम होगा ई श्रीधरन कमेटी, तो इस कमेटी को हेड करेंगे. और ये कमेटी जो है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि इस पर्टिकुलर जो है प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से बनेगा. तो पूरा लेआउट जो है वो ये पर्टिकुलर कमेटी जो है वो देने वाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री को. ऑलराइट, सो अब देखिए, सबसे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, और या फिर मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मेट्रो मैन कौन है, तो ये है ई श्रीधरन जी. और जो कमेटी जो हेड कर रहे हैं वो ई श्रीधरन जी ही कमेटी हेड कर रहे हैं, जो कि इनके चेयरमैनशिप में इसकी कमेटी होगी, यानी कि हेड कर रहे हैं बेसिकली. और इस कमेटी का नाम होगा ई श्रीधरन कमेटी. तो ई श्रीधरन कमेटी अगर आपके दिमाग में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली मेट्रो से रिलेटेड है, जो कि अभी आगरा कानपुर मेरठ भोपाल और इंदौर में बनने वाली है. सिटीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में. तो अब पहली बात कर लेते हैं मेट्रो मैन. तो मेट्रो मैन बोला जाता है ई श्रीधरन जी को, बिकॉज दिल्ली के अंदर जो मेट्रोज बनी है वो इन्होंने ही इनिशिएटिव लेकर दिल्ली के अंदर मेट्रो बनाया था, इसलिए इनको ये मेट्रो मैन बोला जाता है. ये पद्मश्री जो इनको मिल चुका है, ऑलरेडी अवार्डी हैं पद्मश्री के. और सेकेंडली, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES
के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है गाइस, तो आप लोग को इनके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, पद्मश्री इनको मिला है। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 महीने के बाद जब ये रिपोर्ट देंगे तब हम लोग को पता लगेगा, और सेकेंडली क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग को ये सब चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। ये सब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिजीनियस स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब लिए जाएंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए, मतलब जो ये रिपोर्ट बनाएंगे उसी से कंसिडर करते हुए ये पर्टिकुलर रिपोर्ट बनेगी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को देने वाले हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए और ब्लूप्रिंट देंगे मेट्रो स्टेशन का बेसिकली, और इसका डिस्प्ले वगैरह कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, इसका टनल का साइज कितना होना चाहिए, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ कहाँ पे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करेंगे, कैसा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पर्टिकुलरली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें होना चाहिए, और सोलार पैनल्स होने चाहिए इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगी, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, बट अभी ओवरव्यू के लिए हम लोग को ये सब चीज़ें जानना काफ़ी ज़रूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ई श्रीधरन आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं आप फ्रेंड्स। त्रिपुरा के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिल रही है, इलीगल ड्रग्स जो है वो म्यांमार से त्रिपुरा के अंदर एंटर किए जा रहे हैं। त्रिपुरा के दामचिरा विलेज जो है वहाँ से ड्रग्स जो है वो म्यांमार के थ्रू आता है। राइट, सो ये जो चीज़ है वो आप लोग को पता होनी चाहिए कि अभी जो ड्रग ट्रैफिकिंग रूट है वो कहाँ का है, बिकॉज हम लोग को जनरल नॉलेज के पर्पज से पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो म्यांमार रूट से ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान रूट से जो है पंजाब के अंदर जो है वो ड्रग्स एंटर किए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर म्यांमार रूट से दामचिरा विलेज जो है नॉर्थ त्रिपुरा में वहाँ पर एंटर किए जा रहे हैं त्रिपुरा के अंदर। तो देखिए, इसके चलते जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कर रही हैं कि जिसके तहत जो यंगस्टर हैं वो बेसिकली ड्रग्स वगैरह से दूर रहें और स्मगलिंग वगैरह में ना पड़े, और काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे कि वो अपनी लाइफ जो है बर्बाद ना करें, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी एक्शन लिए हैं, वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दी है क्योंकि उनको एक ड्रग फ्री स्टेट बनाना है। राइट, तो इसके चलते उन्होंने पिछले 100 दिनों के अंदर एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है जो हासिल किया है, उनको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। इन्होंने एक्चुअली बैन कर दिए थे कफ सिरप्स, तो यस, कफ सिरप से भी लोग जो है वो नशे वगैरह करते हैं और उनको जो है ड्रग्स की आदत लगने लगती है। तो उन्होंने बोला है कि इनिशियल स्टेज पे जो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोगों को ड्रग्स की आदत लगे उन सब चीज़ों को जो है बंद किया जाए, जैसे गांजा हो गया, हीरोइन हो गई, ब्राउन शुगर वगैरह हो गया, तो ये सब तो एक तरह से ड्रग्स ही हैं, हीरोइन, ब्राउन शुगर और गांजा वगैरह जो चीज़ है उन्होंने कंप्लीट बैन कर दी है, और स्टेट ने बेसिकली बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है इन पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ जो बेसिकली जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग और ये सब चीज़ों में। और त्रिपुरा जो है वो एक तरह से मतलब आगे की डायरेक्शन में जा रही है ड्रग फ्री स्टेट बनने के लिए। राइट, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं आप फ्रेंड्स। ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो करीपुर एयरपोर्ट की है जो कि केरला में है। तो देखिए, केरला गवर्नमेंट ये चाह रही है कि करीपुर एयरपोर्ट जो है वहाँ पर जंबो एयरक्राफ्ट्स आए। तो राइट, जंबो एयरक्राफ्ट्स आने से इनको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के जो हज पिलग्रिम्स हैं वो बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट हज की यात्रा में जा सकेंगे। और राइट, तो जंबो एयरक्राफ्ट्स ऐसे इस प्रकार के बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं जैसे कि बोइंग 747 हो गया, तो ये बेसिकली एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनको स्पेस काफ़ी चाहिए रहता है, इनको रनवे काफ़ी बड़ा चाहिए रहता है और ब्रॉड रनवे चाहिए रहता है। ठीक है, तो उसके तहत ये करने वाले हैं लैंड एक्विजिशन, और इसके लिए वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि इनको जो है वो बड़े एयरक्राफ्ट्स रखने की इजाजत दे दी जाए, तो ऑपरेशन ऑफ बिगर एयरक्राफ्ट्स के तहत इनको परमिशन मिल जाए कि बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं यहां पर लैंड हुए हैं। राइट, कि मतलब इनकी लैंडिंग जो है बड़े एयरक्राफ्ट्स की यहां पर की जाए। तो ये जो एयरपोर्ट है उसका नाम है करीपुर एयरपोर्ट, और जब ये बेसिकली जो लैंड जो है ये जब एक्वायर कर लेंगे तो उसके बाद ये लैंड जो हैंड ओवर कर देंगे किसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द ओवरऑल न्यूज, ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए कि करीपुर एयरपोर्ट कहां पर है और ये किस प्रकार की प्लानिंग जो है वो केरला गवर्नमेंट कर रही है। तो देखिए, सेंट्रल अप्रूवल दे देगा तो आने वाले समय में हम लोग को और इससे रिलेटेड अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, कोझीकोड एक डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वहाँ पर हम लोग को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम है CRV, कम्युनिटी रेस्क्यू वॉलंटियर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर लोकलाइट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिकली किसके लिए, कि जो लोग जो है वो नेचुरल कलामिटी में फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाए, मतलब इनको प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो एक तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सेकेंडली वहाँ पर जो लोग हैं वो अक्सर फंस जाते हैं उनको प्रॉपर टाइम पर निकाला जाएगा, प्रॉपर टाइम पर उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, तो उनकी लाइफ जो है वो सही समय पर बचाई जा सकती है। तो यहाँ के लोकलाइट्स को ट्रेन करने के बाद, क्योंकि बिकॉज अगर यहां पर ये काफी समय से वेट कर रहे थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट की विंग्स जो है वो आ जाए, बट नहीं आ पा रही थी, तो उसके चलते इन्होंने खुद ही ने एक्शन लिया और इन्होंने खुद ही ने अपनी बेसिकली एक टीम बना ली है जिसका नाम है कम्युनिटी रेस्क्यू वॉलंटियर। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको सपोर्ट करने वाली है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इन लोग को ट्रेन करेगी। और सेकेंडली जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बेसिकली काकोड़ी नाम की एक बेसिकली ग्राम पंचायत है, वो पहली ग्राम पंचायत है जो कि ये CRV जो टीम है वो बना चुकी है, बेसिकली इसने ऑलरेडी CRV टीम बना चुकी है और इस पर्टिकुलर टीम को लॉन्च किया है वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है KT जलील।
और जिसको लॉन्च किया था पिछले साल बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मतलब बेसिकली 21 मेंबर हो, 21 वार्ड जो है बेसिकली पंचायत के अंदर, वहाँ से पांच पांच मेंबर जो है वो चुने जाएंगे और उनको ट्रेन किया जाएगा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट की। गॉट इट। तो ये सब चीज़ आपको पता होना जरूरी है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट और कौन सा जो पहला ग्राम पंचायत था उसका नाम आपको पता होना चाहिए, काकोड़ी, राइट। ये पहला ग्राम पंचायत है जिसने पिछले साल जो है पर्टिकुलर सीआरवी को एस्टैब्लिश किया था और अब इसको टोटल सपोर्ट मिल गया है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और सेकंडली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। गॉट इट। तो सीआरवी याद रखिए, कम्युनिटी रेस्क्यू वॉलंटियर। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, ईयरली न्यूज देख लेते हैं गाइस। फ्रेंड्स, 28 जून से केरला के अंदर हम लोग को बोट रेस देखने को मिलेगी और जो ट्रेडिशनल बोट रेस है उसका नाम होता है वल्लम कली, राइट। तो वल्लम कली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि उसने पिछली साल घोषणा करी थी कि इस साल जो है वो क्या करने वाला है, आईपीएल के मॉडल के ऊपर बेस बोट रेस लीग जो है वो शुरू करने वाला है स्टेट के अंदर। और जो बोट लेक रेस होगी, लीग होगी, उसका उसकी जो ट्रॉफी होगी उसका नाम होगा नेहरू ट्रॉफी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को पता होना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग के मॉडल पर क्या शुरू करने वाला है। तो हम लोग को पता होना चाहिए बोट रेस लीग जो है वो शुरू करने वाला है स्टेट के अंदर इसी साल से, और जिसमें जो विनर टीम होगी उसको क्या मिलेगी, नेहरू ट्रॉफी, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, जो जो बोट रेस लीग है उसमें जो 28 जून को जो पहली जो बोट रेस होने वाली है उसका नाम है चंपकुलम मूलम बोट रेस। और स्नेक बोट्स को यहाँ पर बोला जाता है चुंदन वलम, और स्नेक बोट्स में जो लोग जीतते हैं उनको जो प्राइज मिलता है वो मिलता है राजा प्रमामुक प्रमुखन ट्रॉफी। और सेकेंडली जो है, ये इस बार जो बोट रेस है उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगी वहाँ की जो स्टेट डिपार्टमेंट की पुलिस है वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए हम लोग को नजर आएंगी। सो दिस इज द ओवरऑल न्यूज़ ऑफ केरला, जो कि बोट रेस होती है अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पर, हर साल होती है। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस। अब फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज़ है रामेश्वरम की। तो बेसिकली पहले मैं आप लोग को स्टोरी बता देता हूँ कि एक इंसान है अपने घर के पीछे खुदाई कर रहा था और खुदाई करते समय उसको एक बॉक्स मिल गया। उस बॉक्स को उसने खोल के देखा तो उसके अंदर काफ़ी सारी बंदूकें, बारूद, गोलियां वगैरह रखी हुई थी। तो उससे वो डर गया और डरने के बाद उसने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो लोकल पुलिस ने वहाँ पर आकर सर्च इंजन शुरू किया, ऑपरेशन मतलब सर्च ऑपरेशन शुरू किया, राइट। तो जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उस दौरान वहाँ पर उनको 20 से ज़्यादा जो है वो इस प्रकार के बॉक्सेस जो है वो रिकवर हुए हैं। और ये लोकल पुलिस का कहना है कि ये जो बॉक्सेस हैं वो उस समय के हैं, क्योंकि जब बॉक्सेस में जो सामान मिला है उसमें जंग वगैरह लग गई है। तो इनका कहना है कि ये बेसिकली लिट्टे का टाइम जब था, लिबरेशन टाइगर ऑफ इलाम, तमिल इलाम का, जिसके बारे में हम लोग ने देखा है कि राजीव गांधी वाला केस था उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली ये श्रीलंकन तमिल मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये। और सेकेंडली ये काफ़ी एक्टिव था 1980s के समय। तो इनका कहना है कि उसी समय इन्होंने यहाँ पर बीचेस के अंदर आकर अपने ये बारूद वगैरह के जो बॉक्सेस हैं वो छुपा दिए होंगे, तो ऐसा कह रहा है इन लोगों का। तो आने वाली जो रिपोर्ट्स है वो हम लोग को बताएगी। बाकी ऑल ओवर न्यूज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, तो इसलिए मैंने वाली न्यूज़ डाली है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइस। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जॉइंट सेक्रेटरी जो है जिनका नाम है अरुण कुमार वर्मा जी, तो उनका कहना है कि सेंटर जो है वो गारंटी नहीं लेती है पावर सप्लाई की सभी विलेजेस में, सभी हाउस होल्ड में। तो उन्होंने बोला है सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हाउस होल्ड और विलेजेस को कनेक्ट करना पावर ग्रिड से, बेसिकली खंबे लगवाना और उनको इलेक्ट्रिफिकेशन पहुँचाना, राइट, कि इलेक्ट्रीफाई करना विलेजेस को, राइट, कि मतलब खंबे लग गए हैं, वायर लग गया है, घर के अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन लग गया है। तो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का काम होता है, सेंटर का काम होता है कि कनेक्शन लगवा देना, बट बाकी जो अल्टीमेट सप्लाई का जो काम होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किसके पास होती है, वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास होती है। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है। उन्होंने अल्टीमेटली ये चीज़ बोली है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने काम में थोड़ी सी और सतर्कता लगानी चाहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उनको मेंटेन करनी चाहिए और प्रॉपरली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई करना चाहिए। तो अक्सर लोग जो है वो कोसते रहते हैं, यार बिजली चली गई हमारे घर पर। तो उन्होंने बोला है कि बिजली चली गई के लिए गवर्नमेंट को मत कोसिए, ये बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है उनको आप कोसिए, क्योंकि इन्हीं का काम होता है, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके घर तक बिजली का सप्लाई करवाना। अगर आपके घर में मीटर लग गया है, अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन लग गया है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया है और बाकी जो सप्लाई का काम होता है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का होता है, राइट। तो ऐसी बात इन्होंने कही है यहाँ पर। और बेसिकली इन्होंने जो टारगेट्स के बारे में कुछ बात करी कि जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है 24/7 जो हर एक घर के अंदर जो है वो पावर लेके आ जाना, तो मतलब 24/7। तो देखिए, हर घर बिजली की जगह हर घर खंभा होना चाहिए, बेसिकली योजना का नाम, जैसे बोलते हैं ना कि हर घर बिजली योजना, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हर घर खंभे होने चाहिए बेसिकली, तो क्योंकि लोग जो है उनको प्रॉपरली सही से पता लग पाए। क्योंकि इंसान तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के कारण तो यही समझता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे यहाँ। तो इन्होंने बात करी है, उन्होंने बोला है कि हर घर में इलेक्ट्रीफाई होने की बात करी है, ना कि पावर सप्लाई की,
राइट तो अब इन्होंने ये चीज़ बात करी, उन्होंने बोला है कि जो टारगेट जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा बेसिकली 2019 तक, बिकॉज उन्होंने कुछ टारगेट ऐसा बताया, उन्होंने बोला है कि इस साल के एंड तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा विलेजेस में। तो देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी है, पावर सप्लाई की बात कभी भी नहीं करी है, और पावर सप्लाई के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसको, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, बिकॉज उन्होंने कुछ चीज़ें और बताई है जैसे कि द हिंदू ने एनालिसिस करी है, उस दौरान पता लगा है कि जो एक्चुअली जो चीज़ें जो पेपर में होती हैं और जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकली होती हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली जब मतलब जो एक बार किसी के यहाँ बिजली लग गई तो उसका मतलब ये होता है कि पेपर में वो चीज़ ऑन हो गया कि हाँ यार मतलब टिक कर दिया उन्होंने कि हाँ इनके यहाँ बिजली लग गई है, बट कुछ समय के बाद 6 महीने के बाद जाके देखो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग क्या होता है कि वहाँ पे चोरियाँ कर लेते हैं लोग बाग, कि जो वायर्स वगैरह होते हैं जो जो मीटर्स वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं सब कुछ चीज़ें जो होते हैं वो चोरी कर ली जाती है। मतलब इवन जैसे कि कई कई जगह पे तो ऐसे देखने को मिला है कि कुछ लोहा जो होता है मतलब ये खंबे वगैरह के उसके आसपास जो लगा रहता है छोटे से यूनिट्स, तो वो चीज़ें निकाल लेते हैं लोग बाग और उसको बेच देते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, और इन सब चीज़ों के अलावा जैसे कि बात की जाती है कि जो सप्लाई होता है वो कुछ ही घंटे आता है, राइट, कि मीटर कनेक्शन तो लग गया बट 2 घंटे सिर्फ बिजली आ रही, 4 घंटे सिर्फ बिजली आ रही है पूरे दिन के अंदर। सो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली द हिंदू ने एनालिसिस करी है, और बेसिकली हम लोग तक ये चीज़ बताने की बात करी है कि बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन और सप्लाई में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये चीज़ समझ जाइए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन अगर पूछा गया है तो इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हम लोग बात कर रहे हैं हर जगह की, बट पावर सप्लाई आज भी कम है, बिकॉज पावर सप्लाई जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से निकल के आता है। अगर हम लोग अपनी अप्रोच को थोड़ा सा डायनेमिक रखें तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो आजकल जो रिसोर्सेज वगैरह हैं हम लोग के पास वो काफ़ी कम है, जैसे कि अगर कोल वगैरह की बात की जाए तो वो काफ़ी कम है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन सब चीज़ों से होती है, जैसे काफ़ी सारी चीज़ों से जनरेट होती है जिसमें कोल होता है, न्यूक्लियर होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि मतलब हाइड्रोलॉजिकल सोर्सेज होता है और काफ़ी सारी सोलर सोर्सेज होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट मोस्टली हम लोग जो डिपेंडेंट है वो किस पर डिपेंडेंट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे, राइट। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो है ओवरऑल जो न्यूज़ थी इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, ये चीज़ थी। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइज। फ्रेंड्स, जेट एयरवेज ने 75737 बोइंग का ऑर्डर जो है वो कर दिया है, और इससे पहले उन्होंने 150 बोइंग 737 का ऑर्डर दिया था, राइट। तो अब जाके टोटल इनके पास ऑर्डर जो हो गया है वो 225 का हो गया है, 225 बोइंग 737 जो है वो ये मंगवाने वाले हैं, राइट। तो ये ओवरऑल ये न्यूज़ थी, इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। और सेकेंड जो न्यूज़ है वो आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड से, OIL जिसको बोलते हैं। तो देखिए इंडिया हमेशा जो है वो फ्यूल अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, तो देखिए ऑयल इंडिया को हाइड्रोकार्बन्स की सेकेंड डिस्कवरी हुई है, दूसरी बार डिस्कवरी है। इसका साइज़ क्या है क्या नहीं है वो अभी थोड़ी देर के बाद इन्वेंट्री होने के बाद पता लगेगा, तो अभी ये पर्टिकुलरली पता नहीं है कि इसका जो साइज है वो कितना है। तो बाकी जो इंडिया जो है वो हमेशा फोकस कर रहा है कि अल्टरनेट फ्यूल्स के चलते, बिकॉज जो हमारा जो फ्यूल्स कैपेसिटी है वो काफी कम होती जा रही है, ना ही सिर्फ इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, इसलिए तो प्राइस वगैरह और ये सब जो है फ्यूल्स के वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, और काफी सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे, ठीक है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ थी ऑयल इंडिया के बारे में, और हम लोग को पता होना चाहिए ऑयल इंडिया जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे भी काम करता है, उसके जो ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी अलग अलग जगह पे भी हैं, तो बेसिकली 9 कंट्रीज़ में है। हम लोग को पता होना चाहिए वो 9 कंट्रीज़ लीबिया, गैबन, नाइजीरिया, यमन, वेनेजुएला, USA, मोजाम्बिक, और उसके अलावा रशिया एंड बांग्लादेश, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑयल हम लोग को देखने को मिलेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, तो OIL हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ द ओवरऑल न्यूज़ गाइज फॉर टुडे, एंड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू मीन बाय LOC, दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड सेकंड इज हु इज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड व्हाई ही इज नोन एज मेट्रो मैन, एंड थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना UDAY स्कीम, राइट। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। तो देखिए हम लोग आपको रिवॉर्ड्स क्या देते हैं, नई व्यूअर्स को मैं बता दूं, तो हम लोग रिवॉर्ड्स में आप लोग जो आंसर्स लिखते हैं नीचे कमेंट के अंदर उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, राइट। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है गाइज, और ये वाला जो लेक्चर है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। तो इसकी जो PDF है, जैसे कि जो भी अभी जो चीज़ आपको दिख रही है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में उसकी PDF मिल जाएगी, जिससे एग्जामिनेशन के पॉइंट मतलब जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल गाइस, एंड प्लीज डू लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो, और प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अपने, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज हिट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास डेली आती रहे, राइट। तो उसमें अलर्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसमें डेली अपडेट्स वाले अलर्ट में क्लिक कर दीजिएगा। सो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।